Hi guys, welcome to my vlog and good morning from संगेश्वर. अभी मैं संगेश्वर में हूँ और संगेश्वर रत्नागिरी के एक स्टेशन पहले गए, तो मैं रत्नागिरी आया हूँ. रत्नागिरी किसी को नहीं पता होगा तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और मैं इधर घूमने आया हूँ. थोड़ा वेदर काफ़ी अच्छा है. मैं इधर वैसे कल आया, इन कल मैं कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया हूँ, तो आज सुबह सुबह निकला हूँ. अभी सुबह के बजे 8 मॉर्निंग में गांव में बाहर निकलने का मज़ा कुछ अलग ही होता है. तो बस अभी निकला हूँ, थोड़ा गांव में राउंड मार के आता हूँ, क्योंकि गांव का वेदर काफ़ी अच्छा है. गांव में कुछ अलग ही फीलिंग आती है अपने मुंबई सिटी से, कुछ अलग ही, क्योंकि फुल नेचुरल फ्रेश हवा और मॉर्निंग में तो और भी अच्छा, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है. तो मुंबई में सुबह भी निकलो तो गर्मी होती है, पर इधर कुछ ऐसा नहीं है, वेदर अच्छा है. और कल रात को इधर एक वैसे इंडिया की एक बात अच्छी है कि अपन हर एक फेस्टिवल हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से जो सेलिब्रेट करते हैं. तो कल इधर होली सेलिब्रेट किया हमने, वो बाकी सब जगह मुंबई में होली के एक दिन पहले होली जलाते बस दूसरे दिन होली, लेकिन इधर कुछ ऐसा है कुछ 12 दिन होली जलती है, एक छोटी होली, बड़ी होली, उससे बड़ी होली, तो इधर कुछ अलग है. तो इधर का होली फेस्टिवल थोड़ा अलग सेलिब्रेट करते. तो होली भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है. तो गांव भी काफ़ी अच्छा है, माउंटेन पे, और माउंटेन के बीच में जंगल में सबका घर है, तो थोड़ा और भी कुछ मतलब जंगल में रहने कुछ अलग ही फीलिंग है. और अभी मैं आ गया हूँ गांव के मेन रोड पे. इधर से गांव का मेन रोड है, मतलब स्टेशन से इधर कुछ 15 किलोमीटर अंदर गांव है. ये गांव का मेन रोड है, इधर हम आए अंदर. अभी इधर पूरा रोड ही चालू हो गया इधर घूमने के लिए, कुछ दिख तो नहीं रहा इतना, लेकिन अच्छा है. रत्नागिरी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गांव में आने के बाद एक अलग ही फीलिंग होती है. मतलब गांव में हमेशा अच्छा ही लगता है आके, अपने मुंबई लाइफ जैसे नहीं, फुल बिजी. मतलब गांव में मतलब फुल टिपिकल गांव ही है इधर, मतलब जैसे अपने चूल्हे पे खाना बनाना, गैस भी इधर कुछ नहीं है, नॉर्मल गांव के जैसे घर में रहना. तो गांव में हमेशा अच्छा ही लगता है मुझे तो, लेकिन गांव वाले के लिए सब नॉर्मल है, लेकिन आप मुंबई वालों के लिए, सिटी वालों के लिए, जो भी कोई गांव में आता है फर्स्ट टाइम, जो भी कोई गांव में साल में एक बार जाता है, तो उसके लिए हमेशा अच्छा ही लगता है उसे. Thank you.
रोड पे कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो ये अंकल से मैंने लिफ्ट लिया और दूसरे गांव में आ गया ऊपर। ये गांव में थोड़ा आगे जाके देखता कुछ है क्या। सब गांव के लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे कौन इधर आला, कौन आ गया इधर। कुछ नहीं, आप लोग ब्लॉग शूट करना है, हम जाएंगे आगे फिर देखेंगे कुछ है क्या गांव में, बस ब्लॉग शूट करके रिटर्न घर पे। तो इधर भी कुछ दिख तो नहीं रहा है। गांव में एक तो सीन ऐसा रहता है सबके दो घर अलग दूर दूर अलग लंबा लंबा रहता है फूल। तो मैं इधर दो दिन के लिए आया हूँ तो, और आज कल तो कुछ हुआ नहीं। आज हम जाएंगे किधर एक मंदिर में, हुआ तो मंदिर का भी एक शूट दे दूंगा जाके। और फिर कल शाम सुबह इधर से रिटर्न मुंबई। तो इधर कुछ नहीं है, एक शायद वो राशन ऑफिस है, एक मंदिर है और ये साइड में एक इलेक्ट्रिक हाउस है। और इधर बच्चे लोग स्कूल भी 15 किलोमीटर दूर जाते हैं, मतलब गांव से पहले बस लो, बस से स्टेशन पे स्कूल जाते हैं। डेली का इतना ट्रैवल बहुत लंबा हो जाता है स्कूल के लिए। वो भी कॉलेज हुआ तो अलग है, लेकिन स्कूल के लिए इतना 15 किलोमीटर ट्रैवल करते उठे ना। इधर इधर फिरायला आलो चल उठे जाया फिर फिरायला येतोस ना। तुला तू हे दाखवतो ना देवरा, तुला तू हे करायचं ना। हां चल ना राटीत दाखवतो ना मस्त बी पक्षी प्राणी तुला बघायला मिळतील। हे आहे एक 1/2 किलोमीटर चला। तुला हौस आहे ते मला पण हौस आहे ना रे असं। अरे अंकल मिले मैं आगे जाके एक अच्छा लोकेशन देते हो तो शूट करने के लिए अच्छा है, तो जाके शूट करते हो भेटतील पण बस पण लवकर नाही ना। बस आता 10 आहे डायरेक्ट 10 तो अंकल ने मुझे एक लोकेशन पे ला के ड्रॉप किया है, बोले इधर एक मंदिर है वो इधर बर्ड्स भी कुछ अच्छे अच्छे पोपड़ विपट कुछ अच्छे अच्छे पक्षी है बोले। तो इधर अंदर जाता हूँ थोड़ा। गांव में सब अच्छे लोग होते, सब हेल्पफुल होते। मतलब मैं चल के आ रहा था तो अंकल बोले चल मैं एक लोकेशन दिखा था उधर देखो शूट कर। वो बोले अंकल बोले मुझे भी ऐसे शौक है, बोला अच्छा है। तो इधर एक मंदिर है, हम अंदर तो नहीं जाएंगे, बाहर से पैर पड़ लिए तो अंदर जाना है, शूज निकालना है पड़ेगा। तो बाहर से दर्शन ले लिया अपने। बस ज़्यादा कुछ लोकेशन तो इधर ज़्यादा कुछ तो इधर और नहीं दिख रहा है गांव में, और क्या रहेगा। गांव पूरा जंगल, पूरा खेती करने के लिए ओपन प्लेस, बस ज़्यादा कुछ तो रहेगा नहीं और गांव में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है रत्नागिरी में, और अगर कोई गांव में जाते नहीं होगा तो साल में एक बार तो जाना चाहिए, थोड़ा वेदर भी अपना चेंज हो जाता है। मतलब सिटी वाले लोग के लिए गांव में जाना थोड़ा अच्छा लगता है, जो गांव में रहते हैं रेगुलर उन लोग के लिए तो रेगुलर लाइफ है जैसे अपनी मुंबई की है, लेकिन जो सिटी वाले लोग के लिए गांव में जाना तो थोड़ी फीलिंग अलग होती है, तो अच्छा लगता है गांव में जाके थोड़ा। लेकिन मैं खुद ही मेरे गाँव ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो मुझे गाँव में इतना पसंद नहीं, तो भी साल में कभी तो जाना चाहिए अच्छा रहता है। नहीं वो इधर ओपन एग्रीकल्चर है पूरा, कुछ उगाया हुआ नहीं है खाली, अभी तो सीज़न नहीं होगा कुछ। गाय भी अपना खाना खा रहे हैं गाय,
बस अपन जाते हैं अभी रिटर्न घर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल वीरेंद्र डोयरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं इधर रिटर्न घर पे जाएंगे लिफ्ट लेके, तो मुझे इधर गाँव का कुछ पता नहीं है, तो बस तो लूँगा नहीं, बस नहीं मिला तो चल के घर पे जाऊँगा, और अगर कोई मिल गया तो लिफ्ट लेके। वैसे गाँव वाले लिफ्ट दे ही देते हैं। तो ये जो पीछे है गाँव का स्कूल है, छोटे बच्चों लोग के लिए हो गया स्कूल, बाकी जो बड़े हो तो शायद स्टेशन पर जाते हो गए। लिफ्ट के लिए मिल तो नहीं रहे, ऐसा लग रहा है चल के जाना पड़ेगा बस स्टॉप तक। तो अगर नसीब कोई मिला तो, नहीं तो 1 किलोमीटर वापस चल के बस स्टॉप से 1 किलोमीटर वापस अंदर घर पे, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया चलने के लिए। और देखते हैं अगर कोई बीच में मिल गया तो अच्छा है, वैसे कोई तो मिल ही जाना चाहिए क्योंकि अकेला चलने को कंटाला आ रहा है। बस स्टॉप पर हम खाली चाल तो आए ना दूसरे एक गाँव को उनका, चल मैं संगत खाली दुकान आएगा तू।